जय माता दी। साथियों, मैं नंद विश्वकर्मा आज आपको अपने चैनल नंद विश्वकर्मा में क्लास 12 के सब्जेक्ट बायोलॉजी लेसन 1 जीवों में जनन अर्धवाही तने में कायक जनक के चैप्टर का वर्णन करूंगा। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने पिछली वीडियो में आपको पौधों में कायक जनन बताया था। पौधों में कायक जनन कहलाता है लैंगिक जनन। तो कायक जनन क्या है, इसका मैंने वीडियो में वर्णन किया था। तो कायक जनन के में तीन प्रकार से जनन होता है, जड़ द्वारा, पत्ती द्वारा और तने द्वारा। तो जड़ पत्ती द्वारा मैं बता चुका हूँ। तने में कायक जनन की प्रक्रिया दो प्रकार से होती है, एक भूमिगत तने द्वारा और एक अर्धवाहिनी तने द्वारा। तो आज का जो चैप्टर है अर्धवाहिनी तने में कायक जनन है। भूमिगत तने का कायक जनन का वर्णन मैं कर चुका हूँ, तो आप चाहें तो मेरे इस चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर भूमिगत तने के कायक जनन को देख सकते हैं। अर्धवायवी तने का में कायक जनन का तात्पर्य है आधा जो तना है वो वायु में रहना और आधा तना किसमें रहना, भूमिगत भूमि में से जुड़ा हुआ रहना। इसमें अर्धवायवी तने में कायक जनन निम्न प्रकार से होता है। पहला होता है ऊपरी भूस्तारिका, दूसरा होता है अंतःभूस्तारी, तीसरा होता है भूस्तारिका का, चौथा होता है भूस्तारी। तो अर्धवायवीय तनों में कार्य करने की चार विधियां हैं। पहला ऊपरी भूस्तारिका, ऊपरी भूस्तारी इसे कह सकते हैं ऊपरी भूस्तारी। पहला जो आपका है वह है ऊपरी भूस्तारी, दूसरा है अंतःभूस्तारी, तीसरा है भूस्तारी का, चौथा है भूस्तारी। तो जैसे कि मैंने इसकी जब परिभाषा बताई तब मैंने आपको बताया था कि आपको इसमें याद कुछ रहे बता रहे, लेकिन आपको एग्जाम्पल जरूर याद करना करके रखना है। तो सबसे पहले देखते हैं ऊपरी भूस्तारी, ऊपरी भूस्तारी का एग्जाम्पल क्या है। तो जो ऊपरी भूस्तारी है इसका एग्जाम्पल है दूब घास, और हट्टी बूटी। इसके दो एग्जाम्पल है दूब घास और हट्टी बूटी। अंतः भूस्तारी का एग्जाम्पल है आपका गुड़दायनी, और अगला है पुदीना। भूस्तारिका का उदाहरण आपका जलकुंभी, और पिस्टिया है। भूस्तारिका का एग्जाम्पल आपका चमेली है, चमेली और अरबी। तो इसके क्या है सभी के उदाहरण है। अब अपन एक एक करके सबका वर्णन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऊपरी भूस्तारी। तो ऊपरी भूस्तारी में क्या होता है, जैसे कि आपको पता है यह अर्धवायवी है, तो आधा तना वायु से निकला हुआ होता है। तो दूब घास में क्या होता है, आपकी भूमि है, यहाँ पर दूब घास उत्पन्न होती है, इसकी जड़ें हैं, यहां से इसकी दूब घास जैसे उत्पन्न होती है तो इसकी जो कुछ है इसका कोई भी एक मुख्य तना या कोई भी एक तना दुर्बल तना जो यहाँ से कमजोर हो ऊपर गति ना कर सके, इसका दुर्बल तना इस प्रकार भूमि के सहारे चलता है। पर यहाँ पर इसकी क्या करती है, पर्वसंधियों से अपस्थानिक जड़े और नए पौधे का यहाँ पर क्या कर देता है, निर्माण। इसी प्रकार ये आगे चलता है, फिर यहाँ पर जड़ें निकलती हैं, पर यहाँ से आप पर्वसंधियों से नए तने का क्या हो जाता है, निर्माण। इसकी इस भाग को ऊपरी भूस्तारी या रनर कहते हैं। इसकी इस भाग को क्या कहते हैं, ऊपरी भूस्तारी या रनर। इस भाग को क्या कहा जाता है, ऊपरी भूस्तारी या रनर, क्योंकि ऊपरी भूस्तारी को इंग्लिश में कहते हैं रनर। तो अर्धवाह के तने में कायक जनन चार प्रकार का होता है। पहला ऊपरी भूस्तारी, दूसरा अंतःभूस्तारी, तीसरा भूस्तारिका, चौथा
भूस्तारी। ऊपरी भूस्तारी का जो एग्जाम्पल है वह आपका धूप घास और खट्टी बूटी है। ऊपरी भूस्तारी का एग्जाम्पल क्या है आपका धूप घास और खट्टी बूटी। इसमें क्या होता है कि जो पौधा होता है वह सबसे पहले भूमि से उत्पन्न होता है। भूमि से उत्पन्न होने के बाद उसका कुछ भाग ऊपर की ओर चला जाता है। जो ध्रुवल तना होता है भूमि में क्षितिज दिशा में गति करता है। उसकी पर सर्दियों से अवस्थाएं जड़ निकलती हैं और यहाँ से क्या हो जाता है नए पौधे का निर्माण। और इस भाग को इसमें क्या कहते हैं अरनर। तो आपका ऊपरी भूस्तर है। ये आपका किसका चित्र था ऊपरी भूस्तर। अब दूसरा आता है आपका ऊपरी भूस्तारी के बाद आता है आपका अंतःभूस्तारी। अंतःभूस्तारी में क्या होता है सबसे पहले जो पौधा होता है इसमें पौधा का जो तना होता है वह है मृदा की मृदा में से जुड़ा हुआ क्षैतिज दिशा में गति करता है। जो मुख्य तना होता है मृदा से जुड़ा हुआ क्षैतिज दिशा में गति करता है। यहाँ पर इसकी क्या निकलती है पर्वसंधियां निकलती हैं। पर्व संध्या से अवस्थाने गिरा निकलती है। अवस्थाने गिराव से क्या होता है नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर आगे चलेगा यहाँ पर पर्व संध्यों से अवस्थाने गिरा निकलेगी। अवस्थाने गिराव से नए पौधे का क्या हो जाएगा निर्माण हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है जो पुदीना है। इसका एग्जाम्पल क्या है पुदीना। यह आपका क्या हो जाएगा अंतः भूस्तर। अंतः से आपको पता है कि अंतः मीन्स होता है अंदर और इसके जो ये भाग है इसे अंतःभूस्तारी कहते हैं। इस भाग को क्या कहते हैं अपन अंतःभूस्तारी। अगला आता है भूस्तारिका। भूस्तारिका जो होता है वह ऊपरी भूस्तारी के समान होता है। यह कैसा होता है यह जलीय पौधों में होता है। किसमें होता है जलीय पौधों। जलीय पौधा जैसे जलकुंभी और पिष्टभृत। यह जल की जो सतह है यहाँ पर होता है तो सबसे पहले तो यहाँ पर इसमें उत्पन्न हुआ जलकुंभी। फिर इसके बाद इसकी ध्रुवल तना जल में क्षैतिज दिशा में आगे बढ़ता है और उससे क्या होता है एक है पर्वसंधियों से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। अपस्थानिक जड़ों से नए पौधे का क्या हो जाता है निर्माण हो जाता है और यह भाग कहलाता है भूस्तारिका। यह भाग क्या कहलाता है भूस्तारिका। इसे इसका एग्जाम्पल जो आपका जलकुंभी व पिष्टिया है एक इसका एग्जाम्पल हो जाएगा भूस्तारिका का। अब लास्ट आपका रह गया है भूस्तारी। भूस्तारी में क्या होता है सबसे पहले जो पौधा होता है वह कुछ वायवीय भाग में गति करता है। वायवीय भाग में गति करने के बाद इसका एक तरह ऐसे क्षेत्र भूमि की ओर आता है। तो भूमि के आने के बाद क्या है यहाँ पर है अपनी पर्वसंधियों से अवस्थाने जड़ उत्पन्न करता है और फिर यहाँ पर क्या हो जाता है नए पौधे का जन्म हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है नए पौधे का जन्म। तो ये आपका है आपका भूस्तारी। क्या है एग्जाम्पल किसका हो जाएगा भूस्तारी। तो आप देख सकते हैं इसके उदाहरण में क्या है इसमें सबसे पहले जो होता है आपका है ऊपरी भूस्तारी। ऊपरी भूस्तारी एग्जाम्पल आपका धूप घास और खट्टी बूटी है। इसमें क्या होता है जो तना होता है जो पौधा होता है वह भूमि से बाहरी दिशा में गति करता है। उसका दुर्बल तना जो होता है वह क्षैतिज दिशा में गति करता है। उसकी पर्वसंधियों से अपस्थानिक कलिका निकलती है। अपस्थानिक कलिकाओं से नए पौधे का क्या हो जाता है निर्माण। ये था आपका ऊपरी भूस्तारी। अब आता है अंतःभूस्तारी में। अंतःभूस्तारी में एक जो पौधा होता है मृदा के समान क्षैतिज दिशा में बढ़ता है और जो आपका ये भाग होता है क्या तंता भूस्तारी। इसकी पर्वसंधियों से अपस्थानिक जड़ निकलती है जिससे नए पौधे का क्या हो जाता है निर्माण। फिर आता है भूस्तारिका। भूस्तारिका जो है जो जलीय पौधों में होता है। किसमें होता है जलीय पौधों में। यह जल में क्षैतिज दिशा में आगे बढ़ता है और इसकी जो पर्वसंधियों से जड़ निकलती है पर्वसंधियों से इनमें से अपस्थानिक कलिका निकलती है। अपस्थानिक कलिकाओं से जड़ निकलती है और नए पौधे का क्या करता है निर्माण करता है। इसका लास्ट है भूस्तारी। भूस्तारी जो है यह सर्वप्रथम इसका जो तना होता है वायु दिशा में गति करता है। फिर भू झुकता हुआ भूमिगत आता भूमि में पर्वसंधियों के माध्यम से अपस्थानिक जड़ निकालता है और नए पौधे का क्या कर देता है निर्माण कर देता है। तो ये था आपका अर्धवायवी तने में कायक जनन।
यदि आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो अच्छा लगा हो तब आप मेरे चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा को लाइक है, शेयर है, सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय माता दी, साथियों।